प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। है दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। गाइज, अभी आपने प्रीवियम वीडियो देखा तो दोस्तों इसका इजीएस्ट स्टेप मैं एडिटिंग आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगा। सो गाइज, वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लेना। गाइज, यहाँ पर मैं जो भी मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, प्लस के आइकन पर टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 4.3 वाला जो रेशियो है इसे सेलेक्ट कर लेना है। रेजुलेशन 1080 रखना है, फ्रेम रेट 60 है, 30 रख सकते हैं। बैकग्राउंड कोई भी कलर आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी आपको गाइज क्या करना है, यहाँ पे एक सॉन्ग ले लेना है। जो भी सॉन्ग पे एडिटिंग करना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मैं तब तक के लिए कोई सा भी सॉन्ग ले लेता हूँ ताकि मैं ड्यूरेशन यहाँ पे 30 सेकंड तक रख सकूँ, या जितना टाइम आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना टाइम रख लीजिएगा और एक्स्ट्रा जो होगा कट कर दीजिएगा। अभी गाइज स्टार्टिंग में आ जाएगा। स्टार्टिंग में आने के बाद प्लस का टाइप कीजिएगा, मीडियम जाएगा। देन मीडियम जाने के बाद आपको गाइज यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेना। बैकग्राउंड में जो भी फोटो आप लगाना चाहते हो उस फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं तब तक के लिए वाली फोटो को सेलेक्ट करता हूँ, 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन ये कर लूँगा। तो कुछ इस तरह से हमारा मेरा जो फोटो है यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे हम सिंपली क्या करना है, ये वाला फोटो जो हम लिए हैं इसे लास्ट तक कर लेना है। सिंपली इस तरह से आप अच्छा से कोई फोटो ले सकते हो जो एकदम स्क्रीन पर फिट बैठ जाए। जैसे मैं कोई और फोटो लेकर आपको दिखाता हूँ फिट यहाँ पे करके। तो 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे और यहाँ पे गाइज देख सकते हैं ये फोटो एकदम से फिट बैठ रहा है। तो अगर हम इस तरह से फोटो को रखेंगे तो परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं तब तक के लिए एसी को रख लेता हूँ और नीचे वाले फोटो को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद इस फोटो को लास्ट तक कर देंगे। जो भी फोटो होगा अच्छे से यहाँ पर सेटअप कर लीजिएगा। कोई भी फोटो होगा आपका देखने में सिर्फ अच्छा लगना चाहिए। अब गाइज आप स्टार्टिंग में आ जाइए, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। देन मीडियम जाने के बाद गाइज यहाँ पे आपको मोर पंख का पीएनजी मैंने प्रोवाइड किया तो उसे ले लीजिएगा। लेने के बाद गाइज मूव इट ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, इसे जूम कर लीजिएगा इस तरह से। आप जितना पे भी रखना चाहे तो आप जूम करके उतना पे कर लीजिए। तो मैं तब तक के लिए थोड़ा सा और जूम आउट इसे कर देता हूँ हल्का सा, और ये रहा, चलिए यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से। तो अभी ये देख सकते हैं अपने सेंटर में बीचों बीच में है, यहाँ पे सेंटर में है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंटर जो इस पर एक और टैप करेंगे तो ये पॉइंटर ब्लैक वाला जो दिखने लगेगा, तो अभी इसे लेकर नीचे की तरफ यहाँ पे कर लीजिएगा इस तरह से। इतना पे रख लेते हैं। अब गए जी इसका एक तो डुप्लीकेट करना है, उससे पहले इसे लास्ट तक लेकर आ जाइएगा और ये वाले ऑप्शन टैप करके लास्ट तक खींच लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये वाले लेयर डबल लेयर पर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट लेयर कर लीजिएगा। तो अब कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब गए जी काम कीजिएगा, ऊपर वाला जो है इसे यहाँ से मूव करके और थोड़ा सा अलग साइड में रख लीजिएगा इस तरह से। और इसे हम सेंटर में ही रखेंगे, तो इसके लिए सेंटर में दोनों को रखने के लिए क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट कर लेना होगा। ये तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा और मूव करके देख लीजिएगा कि सेंटर इसका कहाँ पर है। तो इस तरह से रख लीजिएगा, परफेक्ट ही हो गया। अब गाइज यहाँ पे क्या करना है, एक किसी भी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा इस मोर पंख को और मूव इट ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, रोटेट वाले पे क्लिक कीजिए, एक की यहाँ पे लगा लीजिएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में की लगाने के बाद गाइज आपको मिनिमम 1 सेकंड पे आ जाना है। तो ये देख सकते हो 1 सेकंड यहाँ पे एक की लगा दीजिएगा। ठीक है, और गाइज की लगाने के बाद आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा और आगे जाइएगा और मिनिमम 5 सेकंड पे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 सेकंड सही रहेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 सेकंड, यहाँ पे भी एक की लगा लीजिएगा। अब जो की हम यहाँ पे लगा लिए तो आप इसे या तो प्लस में कर लीजिए या माइनस में कर लीजिए 90 डिग्री। तो चलिए मैं इसे तब तक के लिए प्लस में ही रखता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस साइड में 90 डिग्री कर दिया। अब इसके स्टार्टिंग में भी आ जाइएगा और इसे भी कर लीजिएगा 90 डिग्री, परफेक्ट। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से रिटर्न यहीं पे आ जाएगा, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे से। ठीक है, इसका हो गया। अब दूसरा वाला सेलेक्ट कीजिएगा जो नीचे में है, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे भी मूव इट ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, रोटेट वाले पे जाइएगा और यहाँ पे एक की लगा लीजिएगा 5 सेकंड पे। देन एक की लगा लीजिएगा स्टार्टिंग में और एक की आपको लगा लेना है 1 सेकंड पे। अब स्टार्टिंग में आइएगा तो ये स्टार्टिंग वाले को यहाँ पे माइनस में 90 डिग्री कर लीजिएगा, उसे प्लस में किए थे तो इसे माइनस में कर लीजिएगा। फिर लास्ट वाले पे जाइएगा और इसे माइनस में फिर से आपको 90 डिग्री कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया। अब गाइज आपको क्या करना है, ये जो मूव वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने में 4 सेकंड पे आ जाइएगा, पूरा यहाँ पे 4 सेकंड पे आ जाइएगा। आने के बाद एक की यहाँ पे लगा दीजिएगा और फिर आपको 5 सेकंड पे आ जाना है और यहाँ पे एक की लगा लेना है। अब इसे आपको इस तरह से नीचे की तरफ मूव कर देना है हल्का सा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसा मैंने कर दिया। और फिर यहाँ से ए पर से बी का जाना है और दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं। मूव में जाएंगे और यहाँ पे भी एक की लगा लेंगे
और फिर 4 सेकंड पे आ जाएंगे, और 4 सेकंड पे आने के बाद पूरा 4 सेकंड पे रख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे भी इसे मूव करके इस तरह से नीचे की तरफ रख देना है, सॉरी 4 सेकंड पे मूव नहीं करना है, 5 सेकंड पे इसे मूव करना है नीचे की तरफ। तो इस तरह से इसे भी यहाँ पे रख लीजिएगा, तो आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ये हो गया, ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ आ रहा है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब गाइस हमारा लिरिक्स यहाँ पे टाइप करना है, तो सबसे पहले प्ले करके देख लीजिए फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है। मैंने सॉन्ग यहाँ पे जो ऐड किया गया जी, कुछ अलग सॉन्ग है, मैं बस एडिटिंग आपको बता रहा हूँ। कोई अच्छा सा सॉन्ग यहाँ पे यूज़ कीजिए जो आपके लिए सॉन्ग मतलब आपके प्रोजेक्ट से मैच करता हुआ सॉन्ग हो, मैंने बस एडिटिंग बताने के लिए कोई सा भी सॉन्ग ले लिया है, तो मैं इस पर लिरिक्स एडिटिंग आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ तक तो फर्स्ट में हम टेक्स्ट यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये प्रोजेक्ट जो हमारा काम कर रहा है यहाँ तक कर रहा है, यहाँ तक। अब इसके बाद जो लिरिक्स आएगा इसे हम यहाँ से टाइप करेंगे, तो प्ले करके देख लेते हैं। कागज़ की नाव तुम, तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो प्लस का इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ टेक्स्ट में जा देंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे कागज़ की नाव तुम। तो एक ही बार में आप रख लीजिएगा या दो बार में रखिएगा, आप देख ली। तो यहाँ पे कागज़ की एक बार रख लेते हैं, अलाइन करेंगे, रोबोट टूल में जाएंगे और यहाँ पे गाइस आपको फॉन्ट लेना है। तो मैंने जो एलाइटोमोशन को अनइंस्टॉल किया था, इसकी वजह से यहाँ पे जो भी फॉन्ट था वो नहीं है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल कोई सा भी फॉन्ट ऐड करके आपको ऐड करके दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने कुछ फॉन्ट ऐड किया, तो यहाँ से मैं बासी फॉन्ट को यहाँ पे ले रहा हूँ। अब जो भी फॉन्ट लेना चाहे ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब इसका साइज़ आपको बढ़ा देना है, तो गाइस यहाँ से मैं इसे 64 रख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो यहाँ पे इसे रख लेंगे। और गाइस इसका कलर मैं यहाँ पे व्हाइट रख लेता हूँ, आप जो भी कलर आपको सही लगे आप रख सकते हैं। अब इसके बाद राइट क्लिक कर लेंगे, इसे प्ले करके देख लीजिए फर्स्ट लाइन का वर्ड कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कागज़ की यहीं पे खत्म होता है। सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा कट कर देंगे और गाइस यहाँ से इस फॉन्ट को लेकर हम नीचे की तरफ कर देंगे, क्योंकि कुछ देर तो ये नीचे ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आएगा अंदर से, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इस पर हमें कुछ इफेक्ट देना है, तो आपको इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। यहाँ पर आपको कलर लाइट में जाकर और डेज वाला इफेक्ट जो आ रहा है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग करना है, देन कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे गाइस सेंटर में आपको दरमियान में एक की लगा देना है, बीच में और एक की इस साइड में और एक की इस साइड में, दोनों साइड में एक एक की लगा देना है। साइड में जो की लगाए हैं गाइस इसे आपको माइनस में 150 कर देना है, ठीक है, दोनों साइड में 150 ही करना है। तो इस तरह से कर लीजिएगा और फिर इसे आपको प्लस में कर देना है, जो दरमियान में लगा हुआ है उसे प्लस में ही 150 कर देना है। तो देख सकते ये हो गया, और फिर लास्ट वाला जो है इसे भी माइनस में कर देना है, 150 ही रखना है, बस उतना ही। तो देख सकते दोनों साइड में 150 रख लिए। इसके बाद लेंथ जो है गाइस इसका लेंथ पे क्लिक करना है और इसे 0.1 रख लीजिएगा, ठीक है, 0.01 रख लीजिएगा। और इसके बाद इंटेंसिटी जो है इसे भी क्लिक कीजिएगा और इसे थोड़ा सा बढ़ाकर 135 कर लीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 135 कर लेंगे। इसके बाद रेज पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा आपका कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस पर रेज इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि अभी नहीं दिख रहा है, आगे जाकर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो अभी इसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे आपको कहना है ऐड फिर पे क्लिक करना है, प्रोसीड्यूल सॉरी मूव इट ऑस्मो में जाना है, यहाँ पे ये रहा, और यहाँ पे ऑस्किलेट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, जो कि कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसे ओपन कर लीजिएगा, एंगल को सबसे पहले 90 डिग्री कर लीजिएगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री मैंने कर दिया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पे क्लिक कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको करना है इसके स्टार्टिंग में आ जाना है, और स्टार्टिंग में आने के बाद एक की लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग में, और इसे 0.30 कर देना है, ये रहा। फिर इसके लास्ट में जाकर एक की लगा दीजिएगा, इसके बाद दरमियान वाले पे आ जाइएगा और दरमियान में आपको इसे कम कर देना है, तो 0.15 इसे कर लीजिएगा, ये रहा। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, नीचे आना है, मैग्नीट्यूड आपको दिखेगा, मैग्नीट्यूड पर क्लिक कीजिएगा और इसके स्टार्टिंग में आकर की लगा लीजिएगा। की लगाने के बाद गाइस इसे 200 कर दीजिएगा, ठीक है, तो 215 मैंने कर दिया। इसके बाद स्टार्टिंग में आ जाइएगा और यहाँ पे इसे आपको डाउन कर देना है, डिक्रीज करके इसे आपको रख लेना है, मिनिमम आप इसे 5 रख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 रख दीजिएगा। इसके बाद गाइस नीचे आइएगा तो यहाँ पे फेज का ऑप्शन दिखेगा, फेज पे क्लिक कीजिएगा और इसे 0.30 कर लीजिएगा,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और ये रहा 0.30, बस यहाँ पे ऑस्कुलेट पे क्लिक कीजिएगा, बैक चला जाएगा। इसके बाद गाइस ऐड फ्री पे क्लिक कीजिएगा, 3D में जाइएगा, यहाँ पे फ्लिप लेयर आपको दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना, करने के बाद इसे ओपन कर लीजिएगा। गाइस ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो इसका एंगल है गाइस, इसमें आपको क्या करना है, एक ही लास्ट में लगाना है, एक ही बीच में लगाना है, एक ही स्टार्टिंग में लगाना है। जो स्टार्टिंग में लाएंगे उसे माइनस में 82 तक कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में तो लगाए हैं उस पर -82 कर दीजिएगा, ये देख सकते हैं। और जो लास्ट में लगाए हैं उसे यहाँ पे प्लस में 82 कर दीजिएगा, ठीक है जी, हो गया। अब इसके बाद एक्सिस जो है एक्सिस पे आइएगा और इसे गाइस यहाँ पे 1x प्लस में कर दीजिएगा 40 तक, ठीक है, 1x प्लस 40 अप कर लीजिएगा इसे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे आइएगा तो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस पे क्लिक कीजिएगा और इसे 0.400 कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 400 मैंने इसे कर दिया परफेक्टली। अब यहाँ पे आप गाइस इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जो कि अभी है फर्स्ट लेटर तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, ये वाले ऑप्शन टैप करके कॉपी लेयर करेंगे, देन ये जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे आ जाएगा और ये वाले ऑप्शन टैप करके यहाँ पे पेस्ट लेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है उसे प्ले करके सुन लीजिएगा, कागज की नाव तुम, तो यहाँ पे हमें सिंपली टाइप करना है नाव तुम, ठीक है, देन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसका ड्यूरेशन देख लेंगे कहाँ तक है, यहाँ तक, तो यहाँ पे आइएगा, इसे सेलेक्ट कीजिए, ड्यूरेशन पे क्लिक करके आगे खींच लीजिएगा और इसे भी हमें नीचे रखना होगा क्योंकि मोर पंख के नीचे से ये निकल रहा है, ऐसा फील हो रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आने के बाद गाइस आपको फिर से इसे पेस्ट करना, तो ये वाले ऑप्शन टैप करेंगे, टेस्ट करने के बाद पेस्ट लेयर करेंगे, नेक्स्ट वर्ड क्या प्ले करके सुन लेंगे, या तपती, तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे और जो लिखा है उसे क्लियर करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे या तपती, ठीक है, एंड राइट क्लिक करेंगे, इसका ड्यूरेशन देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ ही तक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो एक्स्ट्रा बच गया इसे सेलेक्ट करके ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर देंगे और यहाँ पे फिर नेक्स्ट वर्ड जो भी होगा उसे पेस्ट कर देंगे, धूप में यहीं तक आ रहा है, सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्रेस में क्लिक करके कट कर लेंगे, मतलब आगे खींच लेंगे और यहाँ पे हमें टाइप करना है इसका जो भी वर्ड है, तो पहले वाले को क्लियर करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे धूप में या तपती धूप में, ठीक है। इसी तरह से आपको पूरा लाइक्स कंप्लीट करना है, तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ, मैं इतना ही एडिट कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट ऑल करके मैं जो भी एक्स्ट्रा बच गया उसे कट कर देता हूँ, इफेक्ट मेरा सेम रहेगा, इफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब गाइज यहाँ पे हमारा लाइट्स जो है वो अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो व्हाइट यहाँ पे आ रहा है देख सकते हो, तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर शैडो में जाते हैं, शैडो में जाकर इसका शैडो ऑन कर देंगे, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो इस तरह से रखेंगे तो हमारा लाइट्स जो है दिखने लगेगा, तो ये सभी पे हमें देना होगा, स्टार्टिंग में ही हम दे दिए रहते तो ज़्यादा बेटर रहता, अगर हमारा फॉन्ट का कलर दूसरा रहता तो यहाँ इजीली दिखता, बैकग्राउंड मेरा ब्लैक है इसकी वजह से ब्लैक ब्लैक मैच हो जा रहा है तो उतना सही नहीं लग रहा है, तो इस तरह से, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमारा एडिटिंग फिनिश हो गया, यहाँ पे कोई डॉट पार्टिकल आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज ऊपर एरो पे क्लिक करके एक्सपर्ट पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया, उसके वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, इस तरह का और भी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।